हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एमसीओ फोरम ब्लॉक टू लीगल इन्वायरमेंट के शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहला आपका जो शॉर्ट नोट आता है, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 रिगार्डिंग स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स एंड ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस हैं स्ट्राइक्स और लॉकआउट से रिलेटेड, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट के रिगार्डिंग। तो अगर हम स्ट्राइक्स की बात करते हैं, तो स्ट्राइक्स के बारे में हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अंडर सेक्शन 23 के अंदर बात तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है कि किस तरह की आपकी स्ट्राइक्स को इलीगल बताया गया है, या किस तरह की आपकी जो स्ट्राइक्स होती हैं या लॉकआउट्स होते हैं वो इलीगल माने जाएंगे। अगर आपकी कोई डील है या आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका डिसीजन इस टाइम पे बोर्ड में चल रहा है, आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और उस प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट से पहले ही आप स्ट्राइक्स कर दें, तो उस कंडीशन में आपकी जो स्ट्राइक है उसको इलीगल माना जाएगा। दूसरा केस होता है अगर आपकी प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही है, लेबर कोर्ट में चल रही है, मतलब किसी भी कोर्ट में चल रही है, और वहां पर आपका डिसीजन नहीं आया है, और उस डिसीजन से आने से पहले ही, उस सेटलमेंट से पहले ही आप स्ट्राइक कर दें, तो उस कंडीशन में उस स्ट्राइक्स को भी इलीगल माना जाएगा। मतलब यहां पर एक तरह से कह सकते हैं, एज पर द इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर सेक्शन 23, इसके अंदर बात करी गई है कि किस तरह की आपकी स्ट्राइक्स को इलीगल माना जाएगा। अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है आपके टॉप मैनेजमेंट में, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, आपके इश्यूज से रिलेटेड, और उसके डिसीजन से पहले ही आप कोई स्ट्राइक कर दो, तो उस स्ट्राइक को यहां पर इलीगल माना जाएगा। दूसरा है कि अगर आपकी कोई हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम बात करेंगे एमसीओ 4 ब्लॉक 2 लीगल इन्वायरमेंट के शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहला आपका जो शॉर्ट नोट आता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947 रिगार्डिंग स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट। अगर हम स्ट्राइक्स की बात करें, तो स्ट्राइक का मतलब होता है जब हमारे जो भी लेबर्स होते हैं वो काम करने से मना कर दे कि हाँ अब उनकी कोई नीड है, उनकी कोई डिमांड है, जिसको कि हमारा मैनेजमेंट, हमारा बोर्ड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा या एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशंस में वो स्ट्राइक कर देते हैं, धरना दे देते हैं कि अब वो काम नहीं करेंगे। जैसे ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कि कोई भी कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है, तो स्ट्राइक्स को तोड़ना, उस स्ट्राइक्स को खत्म करना या उसको लीगलाइज करना या अंडर द लॉ लेके आना बहुत जरूरी था। तो इसी के लिए हमारा जो पहला प्रोविजन है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अंडर सेक्शन 23, इसके अंदर बताया गया कि किस तरह की स्ट्राइक्स को इलीगल माना जाएगा। अगर किसी भी डिस्प्यूट से रिगार्डिंग कोई टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड के अंदर कोई भी आपकी मीटिंग चल रही है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और उनका रिजल्ट आने से पहले ही आप स्ट्राइक्स कर दो, तो उस तरह की स्ट्राइक्स को इलीगल माना जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आपने कोई केस फाइल कर रखा है लेबर कोर्ट में, आप कह सकते हैं कोई भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आपकी, या आपने किसी भी कोर्ट में कोई आपने केस फाइल कर रखा है, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और उसकी प्रोसीडिंग्स के रिजल्ट से पहले ही आप अगर वहां पर स्ट्राइक्स कर देते हैं, तो उस तरह की स्ट्राइक्स को भी आपका इलीगल माना जाएगा। अब दूसरा प्रोविजन था ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट, कि अगर किसी एम्प्लॉइज को निकाला जाए या उसकी छटनी करी जाए फर्म्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, तो वहां पर क्या क्या रूल्स रिगार्डिंग है हमारे एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसमें अंदर बात करी गई है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को निकाला जाता है जिसने कि एक साल इंडस्ट्री के अंदर काम कर लिया है, अपनी कंपनी के अंदर एक साल तक उसने काम करा है, तो अगर एक साल के बाद उसे कोई निकालना चाहे उसका टॉप मैनेजमेंट या कोई भी उसके ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको एक महीने पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम आपको एक महीने पहले नोटिस दे रहे हैं, अब आपको एक महीने बाद निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद जब उसको एक महीने बाद निकाला जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस कंपनी से, तो उसकी बेसिक पे और उसका जो डीए होता है, इन दोनों की जो कंबाइंड सैलरी होती है, उसका 50% उसे एडिशनल दिया जाएगा एज अ कंपनसेशन। अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसके लिए अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है उस कंपनी के, और जब आप उसको निकाल देते हो अपनी कंपनी से, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को भी सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। अगर आप सिर्फ प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो प्रोविडेंट फंड होता क्या है, पीएफ। मतलब पीएफ ये होता है कि जब भी हम अपनी कुछ ना कुछ मंथली सेविंग्स में डालते रहते हैं,
और लाइफ के एक मूवमेंट के बाद, एक टाइम के बाद, एक स्टेज के बाद वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसमें हमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफी हाई मिलता है, तो उसी तरह का कहलाता है, उसी तरह का आपका जो कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये हमारे एम्प्लॉयज के लिए होता है। ये तो इसको किसने फ्रेम किया है, इसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में तुम्हारे जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जिसे कि आप GPF कहते हैं वो कटते हैं, उनका डिडक्शन होता है पर मंथ फॉर द सेविंग ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट। बट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बात करते हैं हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम्स की। अब इसमें क्या होता है, आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको एक फिक्स लिमिट होती है कि आप मंथली अपना इतना कंट्रीब्यूशन दोगे अपने इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 100 रुपीज उसकी सैलरी है, तो पर मंथ वो 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देगा अपना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर, और इतना ही कह सकते हैं, इतना ही जो उसका और कंट्रीब्यूशन कौन देगा, वो जहां जॉब कर रहा है वो इतना ही कंट्रीब्यूशन देगा उसकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो पर मंथ उसका 20 रुपीज उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर इकट्ठे होते रहेंगे, और जब वो रिटायर हो जाएगा, कह सकते हैं उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है, उस टाइम उसको जो भी उसका लमसम अमाउंट बनता है या जो उसका अमाउंट बनता है उसका टोटल वो उसको दे दिया जाता है उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के नाम से। नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कह सकते हैं NPS है या ओल्ड पेंशन स्कीम्स है, तो वहां पर हमारा जो पेंशन का जो एक क्राइटेरिया था, जो प्रोविजन था, वो हरदम से है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी पेंशन के क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए, पेंशन के प्रोविजन को लाने के लिए इसको लाया गया था एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। तो नॉर्मली हमारी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए है। इसे किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 के अंदर। इसमें होता है कि अगर आपका कोई भी आपका एम्प्लॉयज कह सकते हैं 10 साल किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर लेता है और उसके बाद अगर वो उसको छोड़ता है तो वो इस पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन ये पेंशन मिलती कब है आपको, आफ्टर द एज ऑफ 58, जब आप 58 साल कह सकते हैं पार कर जाते हैं तो उसके बाद ही आप इस पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसमें ये भी देखते हैं कि कितना पेंशन का कंट्रीब्यूशन हमारा जो हमारा एम्प्लॉई होता है वो करता है, और जिसका एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है उसकी बेसिक वेजेस के अंदर। तो इसमें मतलब बात करी गई है कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो हमारा जो एम्प्लॉई होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 8.33% ऑफ बेसिक वेजेस, मतलब ये मैक्सिमम परसेंटेज है जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है उसके पेंशन स्कीम के अंदर, और इतना ही कंट्रीब्यूशन हमारा कह सकते हैं जो एम्प्लॉयर होता है वो भी करता है। ये दोनों कह सकते हैं, तो पर मंथ आपका करीब हो सकता है 17% आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूट होता रहता है आपके पेंशन स्कीम्स के लिए, जो कि रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि सब पीपीएफ था कि वो आपको रिटायरमेंट के बाद एक साथ मिल जाता है, लेकिन आपका एम्प्लॉई पेंशन स्कीम होती है इसके हिसाब से आपको रिटायरमेंट के बाद पर मंथ आपको कुछ कुछ अमाउंट आपको खर्चे के लिए मिलता रहता है। नेक्स्ट आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। अगर हम ग्रेच्युटी की बात करें तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में पहले देखी जाया करती, अब इसका प्रोविजन प्राइवेट सेक्टर्स में भी बना दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी इसका जो एक्ट था वो अप्लाई होता है, मतलब ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो जब भी आप जॉब करते हैं, किसी भी फर्म में काम करते हैं, तो मतलब आप काम तो कह सकते हैं सैलरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम उस फर्म को दिया है, उस कंपनी को दिया है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक पेमेंट मिलती है, ग्रेच्युटी दी जाती है, जिसे कि हम कहते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 साल तक जॉब कर चुके हैं तो आप इस ग्रेच्युटी अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये ग्रेच्युटी अमाउंट आपको मिलता कब है, या तो आप जॉब छोड़ दो, आप रिटायरमेंट ले लो, आप रेजिग्नेशन दे दो, आपकी डेथ हो जाए, या आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन 5 साल के बाद जब आप जॉब पे कंटिन्यू ना हो, तो उस कंडीशन में आपको या आपका जो भी लमसम अमाउंट बनता है आपका ग्रेच्युटी का, या आपको पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ आपको दे दिया जाता है। आपका हर साल आपका जो आपकी ग्रेच्युटी होती है उसके हिसाब से आपकी ईयर बाय ईयर इंक्रीज होती रहती है। अगर आपने सिर्फ 6 साल वर्क करा है तो आपका अमाउंट जो होगा वो आपके टाइम के हिसाब से होगा, अगर आपने किसी फर्म में 10 साल काम करा है तो आपकी ग्रेच्युटी का अमाउंट उस टाइम के हिसाब से बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आपका व्हाट आर द राइट कंफर्म अपॉन द कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो हमारे पास कौन कौन से कंज्यूमर्स के पास राइट है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। तो 1986 हमारा जो एक्ट आया था एक कंज्यूमरिज्म की वजह से आया था कि किस तरह हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करें। इसके अंदर हमारे पास 6 तरह के राइट्स हैं,
तो सबसे पहला हमारे पास जो राइट है, राइट टू सेफ्टी. दीज आर द राइट्स प्रोमिसिंग दैट देयर इज नो मार्किंग ऑफ गुड्स विच इज हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मतलब इसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचा जाना चाहिए कि जो कि हमारे कंज्यूमर्स के लिए, लाइफ के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज के लिए नुकसानदायक हो. दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म. हम राइट टू बी इन्फॉर्म के अंदर बात करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है लिखी होनी चाहिए रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स. आप किसी भी प्रोडक्ट को देखो, उसके बारे में लिखा रहेगा कितने का उसका प्राइस वैल्यू क्या है, एमआरपी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या है. मतलब हर चीज के ऊपर मेंशन होनी चाहिए. नेक्स्ट आपका राइट टू चूज. अब मार्केट में आप जाते हैं, अगर आप सेल फोन ही परचेज करने जाते हैं, तो आपके पास बहुत तरह की कंपनीज के सेल फोन अवेलेबल हैं, अलग अलग रेंजेस के, अलग अलग वैरायटीज के. तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर इसका राइट है, कंज्यूमर्स के पास इसका राइट है कि वो फ्रीली है इस चीज के लिए, फ्री है बिल्कुल कि किसी भी प्रोडक्ट्स को, किसी भी क्वालिटी को, किसी भी क्वांटिटी को चूज कर सकता है अपने यूज के लिए. नेक्स्ट आपका राइट टू बी हियर्ड. अगर राइट टू बी हियर्ड की बात करें तो कंज्यूमर्स के पास यहाँ पर राइट है कि अगर उसको कोई ग्रेवेंस है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसकी सुनवाई हो सके. मतलब उसको सुनवाई का अधिकार है. अब सुनवाई कहाँ होगी? आपके कंज्यूमर फॉर्म्स हैं, आपके लेबर कोर्ट्स हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव पार्ट्स हैं वहां पर आपकी सुनवाई हो सकती है. नेक्स्ट आपका राइट टू बी रिड्रेसल. रिड्रेसल का होता है कि मतलब अब आपकी समस्या को समाधान किस तरह बदला जाए, मतलब आपकी समस्या का समाधान आपको मिलना चाहिए. मतलब आपका जो भी आपने इशू, आपने अगर कोई हियरिंग के लिए आपने कोई केस फाइल कराए, कोई आपने फाइल कराए कोई केस किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो वहां पर आपके पास राइट है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो अथॉरिटी उस प्रॉब्लम को दूर करे, उस प्रॉब्लम को खत्म करे, आपके जो भी इश्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी. और लास्ट आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. उसके अंदर होता है कि हमारा जो एजुकेशन लेवल होती है कंज्यूमर्स की, उसके ऊपर उस एजुकेशन का अधिकार है. उसके पास राइट है कि अगर किसी भी अपने सप्लायर से, या कह सकते हैं किसी भी प्रोड्यूसर से उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहे, तो जान सकता है कि हाँ उस प्रोडक्ट के अंदर किस किस तरह उसको डेवलप किया गया है, किस तरह की क्वांटिटी है, किस तरह की क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, इन सभी के बारे में. ये हमारे राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ये कुछ 6 एक्ट्स हैं हमारे पास, या कह सकते हैं 6 प्रोविजन हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, जो राइट्स हैं हमारे पास कंज्यूमर्स के पास. नेक्स्ट आपका स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SICA 1985 एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ BIFR इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका आपका, इनुमरेट द कंडीशंस दैट अ कंपनी हैज टू सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी. और लास्ट आता आपका क्वेश्चन इसका जो बन के आ सकता है चॉइस के अंदर, कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग एजेंसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SICA 1985. अगर हम SICA की बात करें, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट की बात करें, तो इसका मेन पर्पस क्या था? मेन एम था कि उन कंपनीज को डिटेक्ट करना जिनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, उनको एक तरह से कह सकते हैं उनको अंडरटेकिंग में लेना. मतलब यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज इस कैपेबल नहीं बच पाती कि वो अपनी नीड्स को, अपने एक्सपेंडिचर्स को, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्शन दे सके, तो उन सभी चीज़ों के लिए हमारी ये कमेटी बनाई गई है, एक्ट बनाया गया है. इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट उन कंपनीज को अपने अंडर, उनकी अंडरटेकिंग ले लेती है, फिर उनका मैनेजमेंट होता है, जो भी मैनेजमेंट है, उनके मेजर्स हैं या उनके रिसोर्सेज का किस तरह ऑप्टिमम यूज करना है, उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनके पास जो भी अमाउंट है उसका ड्यू बैंक्स का कितना अमाउंट है, इंस्टीट्यूशन का है, क्रेडिटर्स का है, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फिर उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं. तो उनका अगर सबसे मेन रीजन की बात करें, तो उनका मेन रीजन होता है, मेन एम है आपका SICA का, कि अफोर्ड प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट की प्रोटेक्शन करना. तो ये आपके शॉर्ट नोट्स खत्म होते हैं. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. और अब आप नोट्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स.